अफगानिस्तान की राजधानी काबुल रॉकेट हमलों से दहल गई। हैरानी इस बात की है कि अभी तक इस हमले के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं हुआ है। ये वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए। गरजती आवाज और तेज रोशनी के साथ रॉकेट हवा में उड़कर जा रहे थे। खबर है कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ख्वाजा रवाश इलाके में रॉकेट दागे गए। चश्मदीदों के मुताबिक कम से कम 6 रॉकेट्स दागे गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर रॉकेट्स किसने दागे, इन रॉकेट्स को दागने का मकसद क्या था। पिछले महीने भी काबुल में 10 रॉकेट्स दागे गए थे। इन रॉकेट्स के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस बार दागे गए रॉकेट्स लोगों को काफी हैरान कर रहे हैं। इन रॉकेट्स के दागने का मकसद अब भी लोगों को समझ नहीं आया है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि यह काम काबुल में पनाह पा रहे आतंकियों ने किया है। लेकिन असल सच्चाई पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। चीन के इशारे पर नाचने वाली ओली सरकार के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू राष्ट्र कायमगार, कायमगार, कायमगार। ये नेपाल की आवाज है, ये राजशाही का समर्थन है, ये ओली का विरोध है। जहां हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है, सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम है और चीन के एजेंट के तौर पर काम करने वाली ओली सरकार के खिलाफ यलगार है। पिछले 15 दिनों से नेपाल की गलियों में ओली सरकार को उखाड़ फेंकने का शोर है। हालत ये हो गई है कि अब लोग प्रधानमंत्री ओली के संसदीय क्षेत्र झापा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल के कोसी से लेकर महाकाली और बीरगंज से लेकर काठमांडू तक ड्रैगन के इशारे पर नाचने वाले ओली के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। राज संस्था समर्थक और कई हिंदू संगठनों ने नेपाल के सड़कों पर हाहाकार मचा दिया है। हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग ओली सरकार के भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हैं। नेपाल के चौक चौराहों पर राजा लाओ देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र कायम करो और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करो के नारे बुलंद हो रहे हैं। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान को भी खत्म कर दिया था। यूपी से खबर है जहां और ऑनर किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मैनपुरी में भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस एक खेत में पहुंची, वहां खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक शव निकाला गया। शव को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। ये शव एक लड़की का था। दरअसल भाई बहन के रिश्तों को तार तार कर देने वाला यह मामला प्रतापगढ़ से आया है, जहां दूसरी जाति में शादी करने पर भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन की बेरहमी से हत्या कर जमीन के नीचे दफना दिया। दरअसल मृतक लड़की 8 साल से अर्जुन नाम के लड़के से प्यार करती थी। कुछ महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। ये उसी शादी की तस्वीरें हैं। शादी से लड़की के घर वाले नाराज थे। लड़की के घर वाले किसी बहाने से उसे अपने घर ले आए। जब कुछ दिनों तक अर्जुन का अपनी पत्नी से संपर्क नहीं हो पाया, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की के भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की, तब उसने सारा सच उगल दिया। 17 नवंबर को वो महिला वहां से गायब हो गई। जो इस महिला के भाई थे उन्होंने यहां लाकर इसके साथ कुछ इसको गायब किया है या हत्या की है। इस रोंगटे खड़े करने वाली खबर से हर कोई हैरान है। सभी सोच में पड़ गए हैं कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।